अभी हम डिराइव करने वाले हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन जो कि यहां पर रिप्रेजेंटेड है देखिए मैक्सवेल का छह थर्मोडायनामिकल रिलेशन है उसमें से पहला जो रिलेशन है उसे हम डेराइव करने वाले हैं इसे डेराइव करने का एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी है एक्सटेंडेड डेरिवेशन भी है जिसे कि हम जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिकल रिलेशन से डिराइव करते हैं लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम वो एक्सटेंडेड डेरिवेशन पे बात नहीं करेंगे हम इसे बहुत आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे डेराइव करने का कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर इस रिलेशन को हमें डेराइव करना है इसके लिए हम इस फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे वो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है कि उसका अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म कंसिडर करूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो डेल्टा डब्ल्यू को मैं पी डीवी भी लिख सकता हूं अब इस डेल्टा क्यू को देखें डेल्टा ठीक से दिखे ये डेल्टा है सो डेल्टा क्यू को देखे तो डेल्टा क्यू मान ले कि एक ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम है और यहां पर कुछ हीट दिया गया डेल्टा क्यू हीट दिया गया मान ले कि इसका टेम्परेचर टी है तो इसका जो एंट्रोपी होगा इस सिस्टम का इसका एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हो गया डीएस तो यहां से हम कह सकते हैं डीएस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी और उससे आगे हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टीडीएस तो यहां पर हम डेल्टा क्यू की जगह टीडीएस यूज कर सकते हैं सो so यहां पर हम कहेंगे टी डीएस इज इक्वल टू डीयू प्लस पी डीवी डी यू क्या है इंटरनल एनर्जी में जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ वो अब इसे रिअरेंज अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डीवी अब मान ले कि एक वेरिएबल है z और दो वेरिएबल्स हैं x और y z जो है x और y पे डिपेंडेंट है किस तरह से डिपेंडेंट है मान ले ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस एक सर्टन पॉइंट में से इस पॉइंट में तो मैं सबसे पहले तो लिख लू ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इस पॉइंट में जैसे कि यहां पर डिनोट किया गया ये जो पॉइंट है यहां पर जेड का एक सर्टन वैल्यू है मान ले जेड का वैल्यू है जेड और यहां पर इससे थोड़ी दूर में यहां पर z का जो वैल्यू है वो चेंज हो गया और ये हो गया z प्लस डी जेड अर्थात यहां से यहां तक जो लेंथ है या फिर इसका जो चेंज है जेड का जो चेंज है वो है dz अब ये जो चेंज होगा चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करें यहां जेड का वैल्यू अगर जेड है और यहां जेड प्लस डी है तो चेंज तो dz का हुआ तो आप अगर ऐसा पाथ भी फॉलो करें कोई भी पाथ फॉलो करें, जो चेंज होगा इन दोनों पॉइंट्स में z का वो चेंज तो सेम होगा तो हमने क्या किया हमने एक पाथ कुछ ऐसा फॉलो किया एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहां पर एक इंटरमीडिएट पॉइंट मान ले इंटरमीडिएट पॉइंट लेट से वो पॉइंट है ए तो यहां से यहां तक इस पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में जेड में कुछ चेंज होगा और उस ए पॉइंट से उस फाइनल पॉइंट जाने तक जेड में कुछ चेंज होगा इस चेंज को और इस चेंज को अगर आप जोड़े तो वो बराबर होना चाहिए डीजेड के अब अलोंग एक्स एक्सिस ये जो लेंथ है ये लेंथ ये लेंथ मान ले ये है डीएक्स और ये जो लेंथ है ये भी इनफाइनाइटल लेंथ है तो ये है dy सो so, इस पॉइंट से चलिए इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते दे पॉइंट मान ले ये b है और ये पॉइंट है c तो b से पॉइंट a तक जाते हुए Z का जो रेट ऑफ चेंज है अलोंग X एक्सिस अर्थात X के रेस्पेक्ट में Z का जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम कैसे लिख सकते हैं उसे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z विथ रेस्पेक्ट टू X ये क्या है ये है Z का रेट ऑफ चेंज अलोंग X एक्सिस तो इस डायरेक्शन में Z किस रेट से चेंज कर रहा है हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन z इन यूनिट चेंज इन x तो अगर यूनिट डिस्टेंस में x के डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस में अगर यह चेंज होता है तो dx डिस्टेंस में टोटल कितना चेंज होगा सो so, dx डिस्टेंस में टोटल जो चेंज होगा वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x जो कि इसका रेट ऑफ चेंज है इनटू जो डिस्टेंस है dx तो ये हो जाएगा Z में चेंज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। उसी तरह से अलोंग Y एक्सिस इस पॉइंट में अगर चेंज ऑफ Z विथ रेस्पेक्ट टू Y की बात करें तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे उसे हम डिनोट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z विथ रेस्पेक्ट टू Y से ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ Z विथ रेस्पेक्ट टू Y और टोटल चेंज की अगर बात करें यहां से ए से सी तक तो वो टोटल चेंज कितना होगा वो जो टोटल चेंज होगा वो टोटल चेंज होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन टू टी वाई तो यहां पर हम इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो z में टोटल चेंज है b से लेके c तक वो तो dz है जो कि बराबर होगा इस टर्म के जो कि z में चेंज है b से a तक प्लस इस टर्म के जो कि z में चेंज है a से c तक तो हम कह सकते हैं कि डी जेड डी जेड इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x इन टू डीएक्स यहां पर देखे अलॉन्ग दिस लाइन हम y को कांस्टेंट मान रहे हैं तो यहां पर आप वाई सब्सक्रिप्ट में डाल सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई कॉन्स्टेंट है प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन टू डी वाई यहां भी आप सब्सक्रिप्ट में एक्स डाल सकते हैं क्योंकि अलॉन्ग दिस एक्स इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट तो आप अगर इसे इस इक्वेशन को और इसे कंपेयर करें तो यहां से ऐसा दिख रहा है मानो u इज इक्वल टू जेड और x या फिर s इज इक्वल टू एक्स यहां ds है यहां dx है यहां du है तो यहां dz है सो u z जैसा है और यहां पर s और x आइडेंटिकल है उसी तरह से यहां पर अगर आप देखें तो v और y आइडेंटिकल है सो हम कह सकते हैं यहां पर v इज इक्वल टू वाई तो अगर आप सिमेट्री को देखें तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि टी यहां से टी ये इसके बराबर होना चाहिए सो टी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और यहां पर वाई कांस्टेंट है तो इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जेड ये क्या है z तो u है और x क्या है एक्स है एस सो so, इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या था एक्स तो एस था सो एस और एट कांस्टेंट क्या वाई क्या है वाई तो वी है एट कांस्टेंट वी और सिमेट्री से हम यहां पर देखे ये जो निगेटिव पी है वो इस टर्म के बराबर है सो so, यहां पर निगेटिव पी ये बराबर होगा इसके साथ किसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y एट कॉन्स्टेंट x जिसे कि हम लिख सकते हैं z के जगह so u सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y के जगह हम लिख सकते हैं v सो विथ रेस्पेक्ट टू v एट कॉन्स्टेंट यहां से देखे x जो कि है s सो एट कॉन्स्टेंट s सो so इन दोनों रिलेशंस को हम आगे यूज करेंगे So, ये मान ले ये हो गया रिलेशन वन ए और ये हो गया रिलेशन वन बी इन दोनों को हम आगे यूज करेंगे अब देखिये एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर कोई भी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो तो उसका जो मिक्सड पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो आइडेंटिकल होता है मतलब क्या है इसका तो मतलब पे बात करेंगे सबसे पहला तो इसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि मान ले कोई एक फंक्शन है वो फंक्शन है z उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है तो z का मेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मान ले कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये बराबर होगा यहां पर चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव z विथ रेस्पेक्ट टू x है तो हम यहां कहेंगे y कांस्टेंट है यह बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x यहां पर x कांस्टेंट होगा ये दोनों बराबर होंगे और ये एक और टर्म के साथ बराबर होगा या फिर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दो स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय दो वाई दो एक्स या फिर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय दो एक्स दो वाई सो जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है ये तो हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है इसका चलिए सिंपल सिनेरियो से इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं मान ले कि एक मैदान है तो उस मैदान के लिए यह है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस एक सर्टन पॉइंट में एक सर्टन वेरिएबल का कुछ वैल्यू है मान ले जेड वो वेरिएबल है तो ये तो है वाई एक्सिस यह है एक्स एक्सिस एक सर्टन पॉइंट में मान ले यहां पर इस पॉइंट में जेड का एक सर्टन वैल्यू है अब जेड है क्या मान ले ये मैदान है और जेड जो है वो घास की लंबाई है घास का हाइट तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहां पर घास का जो हाइट है वो है टेन सेंटीमीटर का इस पॉइंट में अब यहां पूरे मैदान में घास का जो हाइट है घास का जो लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है वो चेंज कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कुछ रेट ऑफ चेंज है तो एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो रेट ऑफ चेंज है वन सेंटीमीटर पर मीटर यहां पर इस जगह पे वन सेंटीमीटर पर मीटर सो ध्यान रखें याद रखें वन सेंटीमीटर पर मीटर वन सेंटीमीटर पर मीटर ठीक है अर्थात यहां पर अगर दस सेंटीमीटर है घास की लंबाई तो एक मीटर दूर मान लीजिए एक मीटर है एक मीटर दूर इलेवन सेंटीमीटर हो जाएगा दो मीटर दूर यह हो जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर तीन मीटर दूर थर्टीन सेंटीमीटर और चार मीटर दूर यह हो जाएगा फोर्टीन सेंटीमीटर तो कुछ पॉइंट्स मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो बी में घास की जो लंबाई होगी वो फोर्टीन सेंटीमीटर सो तो यहां लिख लेते हैं ये फोर्टीन सेंटीमीटर तो ये जो वन सेंटीमीटर पर मीटर है ये तो घास की जो लंबाई है उसका रेट ऑफ चेंज अलोंग एक्स या फिर रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है कहां पर यहां पर लेकिन वही रेट ऑफ चेंज y बढ़ते साथ अर्थात यहां पर रेट ऑफ चेंज इतना नहीं है ये मान ले एक मीटर दूर है एक मीटर दूर एक पॉइंट है अलोंग y एक्सिस यहां हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज जो है वो रेट ऑफ चेंज हो गया टू सेंटीमीटर पर मीटर यहां पर और एक मीटर दूर यही हो गया थ्री सेंटीमीटर पर मीटर और एक मीटर दूर यही रेट ऑफ चेंज हो गया घास का जो हाइट का रेट ऑफ चेंज है अलोंग एक्स एक्सिस ये हो गया फोर सेंटीमीटर पर मीटर मुझे लगता है सिचुएशन आप समझ गए हैं तो मान ले एक और पॉइंट कि यहां से ए से बी तक जो डिस्टेंस है जैसे कि हमने कंसीडर किया है ये डिस्टेंस है चार सेंटीमीटर का माफ कीजिएगा चार मीटर का तो ये डिस्टेंस है चार मीटर का एक पॉइंट यहां से कंसीडर करते हैं अलोंग वाई एक्सिस और ये जो डिस्टेंस है ये तीन मीटर का डिस्टेंस है यहां पर हमें जो पॉइंट मिला मान ले वो पॉइंट है सी यहां पर हम पता करेंगे कि घास का जो हाइट है वो कितना है तो ये पॉइंट है सी घास का हाइट हमें पता करना है अब मान ले एग्जाम्पल के तौर पे कि यहां पर इस बी पॉइंट में वाई एक्सिस के अलोंग जो रेट ऑफ चेंज है घास के लंबाई की वो रेट ऑफ चेंज है मान ले सिक्स सेंटीमीटर पर मीटर सिक्स सेंटीमीटर पर मीटर सिक्स सेंटीमीटर पर मीटर सो तो बी से सी तक हमें कितना दूर जाना है तीन मीटर जाना है तो घास का जो हाइट है वो कितना चेंज होगा सिक्स सेंटीमीटर चेंज होगा एक मीटर में तो तीन मीटर में अठारह सेंटीमीटर बढ़ेगा तो फोर्टीन प्लस एटीन सो बी से लेके सी तक अगर हम पहुंचते हैं तो घास का जो हाइट हमें यहां पर दिखेगा वो होगा फोर्टीन प्लस एटीन तो यहां पर घास की लंबाई थर्टी टू सेंटीमीटर अब देखे कि हमने यह पाया था कि यहां जो है एक सेंटीमीटर पर मीटर है घास का रेट ऑफ चेंज घास के हाइट का रेट ऑफ चेंज अलोंग एक्स एक्सिस और हमने घास का जो हाइट है उसके लिए वेरिएबल एसोसिएट किया था जेड तो हम कह सकते हैं यहां पर यहां पर जो घास का रेट ऑफ चेंज है जो कि है एक सेंटीमीटर पर मीटर उसे हम कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x z जो कि घास का हाइट है घास का हाइट का रेट ऑफ चेंज x एक्सिस के अलांग या फिर विथ रेस्पेक्ट टू x ये तो हो गया घास का हाइट का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x कहां पर a पॉइंट में लेकिन वही रेट ऑफ चेंज a पॉइंट में जो एक सेंटीमीटर पर मीटर है इससे थोड़ा ऊपर y एक्सिस के अलोंग जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये चेंज हो जा रहा है। ये अब दो सेंटीमीटर पर मीटर हो गया थोड़ी दूर बाद तीन सेंटीमीटर पर मीटर हो गया अर्थात हर एक मीटर में यहां एक मीटर हम जब चढ़ रहे हैं तो घास का रेट ऑफ चेंज वन सेंटीमीटर पर मीटर से टू सेंटीमीटर पर मीटर हो गया तो एक यूनिट का चेंज हो गया और एक मीटर चढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज में चेंज हो गया तो घास का हाइट का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाई इसे कैसे डिनोट करेंगे तो इसका इस टर्म का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये कितना है ये है वन यूनिट का अगर आप यहां पर यूनिट uh, बना पाए तो ये यूनिट होगा वन सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर पर मीटर पर स्क्वायर मीटर गलत सेंस हमें देता है ये होगा पर मीटर पर मीटर तो यहां से ये जो मिक्स्ड डेरिवेटिव जो है वो जो आइडेंटिकल होता है यहां से हम कह सकते हैं इस केस में कि ये इसके बराबर होगा कौन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किसका पार्शियल डेरिवेटिव टी जेड या दो जेड दो वाई ये क्या है ये है घास का रेट ऑफ चेंज हाइट का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाई यहां पर जिसका वैल्यू है सिक्स सेंटीमीटर पर मीटर उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये भी बराबर होगा एग्जैक्टली exactly इसके तो यह भी बराबर होगा वन सेंटीमीटर पर मीटर पर मीटर के यही तो बता रहा है ये चलिए देखते हैं यहां पर इस फिगर में इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि यहां जो घास के हाइट का रेट ऑफ चेंज है जो कि है सिक्स सेंटीमीटर पर मीटर वो एक्स एक्सिस के साथ चेंज कर रहा इस रेट से मतलब कि यहां पर अलोंग वाई एक्सिस घास का जो हाइट का रेट ऑफ चेंज था वो फाइव सेंटीमीटर पर मीटर था यहां पर वो फोर सेंटीमीटर पर मीटर था यहां पर वो थ्री सेंटीमीटर पर मीटर है और यहां पर ये टू सेंटीमीटर पर मीटर है सो so, ये रेट ऑफ चेंज है टू सेंटीमीटर पर मीटर हम क्या कर रहे हैं कि यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ए पॉइंट से यहां चलिए एक पॉइंट ये जो है यह है पॉइंट डी यहां तक चढ़ रहे हैं और देख रहे हैं यहां पर घास का हाइट कितना होना चाहिए तो यहां पर घास का हाइट होगा कितना यहां पर है दस सेंटीमीटर और यहां बारह सेंटीमीटर क्योंकि रेट ऑफ चेंज इस लाइन में जो है अलोंग वाई एक्सिस यह टू सेंटीमीटर पर मीटर तो यहां बारह यहां पर चौदह और यहां पर सोलह तो यहां घास का जो हाइट है यह है 16 सेंटीमीटर पॉइंट डी में 16 सेंटीमीटर अब डी से लेके सी तक जब आगे बढ़ेंगे हम तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वह इस डिस्टेंस के बराबर होगा जो कि है चार मीटर तो चार मीटर का डिस्टेंस और फोर सेंटीमीटर पर मीटर के रेट से अगर घास का हाइट चेंज हो तो चार मीटर में कितना चेंज होगा फोर सेंटीमीटर इंटू फोर मीटर तो सिक्सटीन सेंटीमीटर का चेंज होगा तो यहां पर अगर सिक्सटीन सेंटीमीटर हाइट है तो यहां से यहां पहुंचते पहुंचते और सिक्सटीन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा हाइट और हो जाएगा वो थर्टी टू सेंटीमीटर होना भी चाहिए पिछले केस में हमने जब ये पाथ फॉलो किया था ए से बी और बी से सी तो हमें ये थर्टी टू सेंटीमीटर मिला था घास का हाइट अब भी वही होना चाहिए सो so, यहां पर इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वही वैल्यू होगा अगर मान ले ये सेम ना होता ये अगर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर होता तो बी पॉइंट में जो ये रेट ऑफ चेंज सिक्स सेंटीमीटर पर मीटर था इस पॉइंट में ये होता साढ़े पांच इस पॉइंट में ये होता पांच ये साढ़े चार होता यहां पर चार होता तो अगर इस पॉइंट में उसका रेट ऑफ चेंज फोर होता फोर सेंटीमीटर पर मीटर तो 10 से यहां 14, यहां 18, यहां 22 हो जाता और फिर वापस यहां 22 से 16 जोड़े तो क्या बत्तीस होता नहीं होता इसका मतलब इन दोनों को सेम होना है इसे और इसे तो आगे बढ़ते हैं सो so, आगे बढ़ने से पहले एक बार कंपेयर कर लेते हैं सो so, यहां पर हमने माना था कि ये जो Z है ये U है और ये जो एक्स है ये एस है और वाई जो है ये वी है तो इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इससे आगे कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई के जगह वी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एस वाई के जगह वी इज इक्वल टू पार्शियल डेरेवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एस ऑफ पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू वी एट कॉन्स्टेंट एस दैट शुड बी इक्वल टू दो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय दो एस दो वी तो फिर यहां से देखें इस टर्म को ये कौन सा टर्म है ये बराबर है के यहां इक्वेशन वन ए को देखें और ये जो टर्म है ये बराबर है नेगेटिव ऑफ पी के तो हम इससे आगे लिख सकते हैं कुछ ऐसा ये तो के बराबर है सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू वी अब T का पार्शियल डेरिवेटिव अगर वी के रेस्पेक्ट में हो तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा एस कांस्टेंट होगा सो एट कांस्टेंट एस दैट शुड बी इक्वल टू यहां पर ये जो टर्म है ये ये बराबर है निगेटिव ऑफ पी के सो so उस निगेटिव साइन को पहले लिखते हैं निगेटिव ऑफ पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू यहां से देखे एस चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी है विथ रेस्पेक्ट टू एस है तो बाकी टर्म्स कांस्टेंट होंगे तो कौन सा टर्म कांस्टेंट होगा वी कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव दो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय दो एस दो वी ये हो गया मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन